हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चैप्टर टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन। आज हम लोग डेस्कटॉप के बारे में पढ़ेंगे। द डेस्कटॉप इज़ द फर्स्ट स्क्रीन डैट अपीयर्स व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर। डेस्कटॉप वो फर्स्ट स्क्रीन है जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो उस पर उपलब्ध होता है। द विंडोज़ 10 डेस्कटॉप हैज़ फ्लोइंग कंपोनेंट्स। और विंडोज़ 10 डेस्कटॉप के बहुत सारे कंपोनेंट्स है, मतलब विंडोज़ 10 जो डेस्कटॉप है हमारा उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। स्टार्ट, सर्च बॉक्स, टास्क व्यू, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया, वॉलपेपर, बैकग्राउंड आइकॉन्स, ये सब क्या है डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स है। नोटिफिकेशन एरिया, इट इज़ ऑन राइट साइड ऑफ द टास्क बार, मतलब नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार के राइट साइड में होता है, मतलब टास्क बार हमारा डेस्कटॉप के नीचे होता है और नोटिफिकेशन इस एरिया इसके राइट साइड होता है। यहाँ पे ये सब क्या है हमारा नोटिफिकेशन एरिया है। अबाउट, इट शोज नोटिफिकेशन अबाउट द इंटरनेट कनेक्शन, वॉल्यूम लेवल, etc. अलॉन्ग विथ डेट एंड टाइम। यह समय और डेट और टाइम के साथ इंटरनेट कनेक्शन और वॉल्यूम स्तर आदि के बारे में सूचना यानी नोटिफिकेशन देता है। जैसे कि हमारा नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार के लेफ्ट साइड में रहता है, राइट साइड में रहता है हमारा नोटिफिकेशन एरिया। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हैं, जैसे वाईफाई कनेक्ट करना हो, वॉल्यूम हो बढ़ाना कम बेस ज़्यादा करना हो, और डेट और टाइम का ये नोटिफिकेशन यहीं पे रहता है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज सिंपली ए स्क्रीन ऑफ विंडोज़ डैट इज़ कवर्ड विथ ए वॉल पेपर एंड एज ए बैकग्राउंड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन एंड आइकॉन्स। डेस्कटॉप बैकग्राउंड एक विंडोज़ का स्क्रीन है डैट इज़ कवर्ड विथ ए वॉलपेपर, जो वॉलपेपर से कवर होता है, ढका हुआ होता है, एंड एज ए बैकग्राउंड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन एंड आइकॉन्स। और इस बैकग्राउंड पे डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड आइकॉन्स होते हैं, जैसे कि ये सब क्या है हमारा एप्लीकेशन है और ये आइकन्स होते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे। वॉलपेपर, ए वॉलपेपर इज़ द बैकग्राउंड पिक्चर डैट वी सी ऑन आवर डेस्कटॉप। ए वॉलपेपर इज़ ए बैकग्राउंड पिक्चर, वॉलपेपर का क्या है एक बैकग्राउंड पिक्चर है डैट वी सी ऑन आवर डेस्कटॉप, जिसे हम लोग अपने डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। जैसे कोई भी वॉलपेपर हमें लगाना हो उसको चेंज कर सकते हैं और उसको हम देख सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे। आइकन्स, द स्मॉल पिक्चर्स डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप डैट रिप्रेजेंट ए प्रोग्राम फाइल और फोल्डर, मतलब छोटा छोटा जो पिक्चर होता है जो हमें डेस्कटॉप पे रिप्रेजेंट होता है एक प्रोग्राम फाइल और फोल्डर के रूप में, वो हमारा क्या है आइकन्स है। फर्स्ट, स्टार्ट बटन है, इट इज़ द बटन लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, और यह स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर में होता है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, तो ये स्टार्ट बटन हमारा लेफ्ट कॉर्नर में होता है। व्हेन वी क्लिक ऑन दिस मेनू, जब हम लोग इस मेनू पे क्लिक करते हैं, पॉप्स अप ऑन द स्क्रीन, तो क्या होता है ऐसा पॉप्स अप ओपन हो जाता है स्क्रीन पे, ये हमारा जब हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक किए हैं तो ऐसा एक एप्लीकेशन और ये पॉप्सअप स्क्रीन पे क्या हो गया है उपलब्ध हो गया है। द स्टार्ट मेनू हैज़ 2 पेंस, और स्टार्ट मेनू के पास 2 पेंस होते हैं। द लेफ्ट पेन कंटेन्स एन अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर। लेफ्ट पेन होता है एक अल्फाबेटिकल लिस्ट से कंटेंट से बना होता है, ऑल प्रोग्राम्स अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर, और ये हमारे आपके कंप्यूटर पे उपलब्ध अवेलेबल होता है लेफ्ट पैन में। इट आल्सो कंटेंस आइकॉन्स फॉर, यह आइकॉन्स के लिए बना होता है फॉर यूज़र अकाउंट्स, जो यूज़र
जो यूज़र यूज़ करता है कंप्यूटर पे, वो क्या करता है, आइकन्स बनाता है। यू कैन सेलेक्ट ए प्रोग्राम फ्रॉम हेयर, हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं सेटिंग, और सेटिंग में जाते हैं, ऐसा सेटिंग का साइन होता है। यू कैन चेंज योर कंप्यूटर सेटिंग फ्रॉम हेयर, और वहाँ पे हम लोग कंप्यूटर सेटिंग में क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। पावर, ये हमारा पावर ऑन ऑफ करने वाला होता है, इट इज़ यूज शट डाउन द बटन, और इसका उपयोग हम लोग कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए करते हैं, पावर ऑफ या बंद करने के लिए करते हैं। द राइट पेन, राइट पेन कंटेंस मोस्ट कॉमनली यूज प्रोग्राम्स इन फॉर्म ऑफ टाइल्स, और ये राइट पेन होता है जो बहुत सारे प्रोग्राम्स कॉमनली मोस्ट प्रोग्राम्स का यूज़ करके बने होते हैं। सेकेंड, सर्च बॉक्स, यू कैन सर्च फॉर एनी थिंग, ए प्रोग्राम फाइल डॉक्यूमेंट और द वेब बाई टाइपिंग इन दिस सर्च बॉक्स। जैसे कोई भी प्रोग्राम को हमें सर्च करना हो, फाइल डॉक्यूमेंट और वेब को, किसी भी चीज़ को अगर हमें सर्च करना पड़ता है तो हम वो सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं और सर्च करते हैं। द रिजल्ट्स आर डिस्प्लेड इन द स्टार्ट मेनू इटसेल्फ, और रिजल्ट्स जो हम सर्च करते हैं वो अपने आप स्टार्ट मेनू में ओपन हो जाता है, आ जाता है स्टार्ट मेनू। ये हमारा स्टार्ट मेनू है और ये हमारा सर्च बॉक्स है, मतलब अगर हमें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करना है या वर्ड करना है तो वो यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं और वो हमारा डिस्प्ले हो जाता है यहाँ पे। थर्ड, टास्क बार, इट इज़ हाईलाइटेड बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। टास्क बार एक हाईलाइटेड बार होता है जो स्क्रीन के बॉटम में यानी नीचे होता है। इट हैज़ टास्क व्यू बटन, और यह टास्क व्यू बटन भी, इसके पास टास्क व्यू बटन भी होता है। टास्क बार के पास आइकन्स ऑफ सम फ्रिक्वेंटली यूज्ड एप्लीकेशन एंड नोटिफिकेशन एरिया ऑन इट्स राइट मोस्ट साइड, और आइकन्स का यूज़ एकदम फ्रिक्वेंटली होता है, और ये हमारा एप्लीकेशन और कोई भी नोटिफिकेशन एरिया जो नोटिफिकेशन होता है वो हमारा राइट साइड में आ जाता है। टास्क व्यू, इट इज़ यूज्ड क्विकली मूव थ्रू मल्टीपल ओपन विंडो, इसका उपयोग मल्टीपल विंडो को ओपन करने के लिए किया जाता है। ये टास्क बार है स्टूडेंट्स, ये हमारा टास्क बार कहाँ पे है वो दिखाया गया, स्टार्ट बटन ये रहा, सर्च बॉक्स है, टास्क व्यू है, और नोटिफिकेशन एरिया यहाँ है राइट साइड में होता है, जहाँ पे मतलब डेट और टाइम और वॉल्यूम कम करना ये सब क्या होता है यहाँ पे उपलब्ध होता है राइट साइड में। और स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ तक रीड करके आएंगे, नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स योर क्लास इज़ योर ओवर।